राज परिवारों पर राहुल गांधी की टिप्पणी से आगबुला हुए देश के शाही परिवार। राहुल पर भड़के शाही परिवार दिया कुमारी और सिंधिया ने पढ़ाया इतिहास का पाठ। क्या राहुल गांधी के आरोपों पर एक्शन लेंगे राज परिवार? कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी कभी अपने बयान के चलते तो कभी किसी अन्य वजह से लोगों के निशाने पर रहते हैं, लेकिन इस बार राहुल गांधी राज परिवारों के निशाने पर आ गए हैं। जी हां, देश के शाही परिवारों का गुस्सा राहुल गांधी पर फूट पड़ा है और वजह है राहुल गांधी का एक आर्टिकल जिसमें उन्होंने पूर्व राज परिवारों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने पूर्व राज परिवारों पर ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेजों से रिश्वत लेने तक का आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने लिखा कि महाराजाओं को रिश्वत देकर अंग्रेजों ने भारत पर शासन किया। और जैसे ही राहुल गांधी का ये आर्टिकल सामने आया है, जिसके बाद देश के तमाम जो राज परिवार के लोग हैं वो राहुल गांधी पर बरस पड़े हैं, आग बबूला हो रहे हैं। राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी से लेकर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और बीजेपी सांसद यजवीर वाडियार से लेकर कई और बीजेपी नेताओं ने राहुल गांधी को जमकर खरी खोटी इस पूरे मामले को लेकर सुनाया है। उन्हें इतिहास पढ़ने तक की सलाह देते हुए बीजेपी के इन राज परिवारों से आने वाले तमाम नेताओं ने यह कहा कि देश में नफरत बेचने वाले भारतीय गौरव और इतिहास पर व्याख्यान देने का उन्हें कोई अधिकार है ही नहीं। यह साफ तौर पर राहुल गांधी के बयान की कड़ी निंदा हो रही है। जिस तरीके से राहुल गांधी देश के पूर्व जो शाही परिवार रहे हैं, जो राजा महाराजाओं का परिवार रहा है, उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको लेकर जो राजस्थान की डिप्टी सीएम है दिया कुमारी वो राहुल गांधी पर बरस पड़ी है। उन्होंने इसे राहुल गांधी की ओछी हरकत करार दिया है और कहा है कि इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। क्या कुछ दिया कुमारी ने कहा है और किस तरीके से राहुल गांधी को इतिहास पढ़ने की सलाह दी है, जरा सुनिए। राहुल गांधी ने एक ऐसी अभद्र टिप्पणी की है पूर्व राज परिवारों के बारे में, उनको कम से कम हिस्टोरिकल फैक्ट्स की जानकारी तो ले लेनी चाहिए थी। उन्होंने कहा है कि रिश्वत लेके दबाव डालकर ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिलकर राज परिवारों ने उनको पनाह दी। ईस्ट इंडिया कंपनी को लाने में राज परिवारों का हाथ था। ये बिल्कुल गलत है, हिस्टोरिकली गलत इन्फॉर्मेशन है। पता नहीं कौन राहुल गांधी को ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, उनको पढ़ लेना चाहिए पहले हिस्ट्री के बारे में। उन्होंने जो बात कही उसकी मैं घोर निंदा करती हूँ। उल्टा जो पूर्व राज परिवार हैं उनका तो बहुत बड़ा योगदान रहा है भारत के एकीकरण में, विशेषकर बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने आगे बढ़कर अपनी संपत्ति को भी दिया और बहुत कुछ किया उस समय, और उसके बाद भी बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन रहे हैं हर प्रकार से, जनसेवा में भी, एडमिनिस्ट्रेशन में, और जितनी भी आज आप देख रहे हैं हॉस्पिटल्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, बहुत सारी उस समय की बनी हुई। और इस तरह की टिप्पणी करना राहुल गांधी को शोभा नहीं देता, उनको कम से कम जानकारी तो ले लेनी चाहिए थी, बहुत गलत किया। तो दिया कुमारी को आपने सुना जो राहुल गांधी को सलाह दे रही हैं। दिया कुमारी ने यह साफ तौर पर कहा कि आप पहले इतिहास पढ़िए और राज परिवारों का क्या योगदान देश को दरअसल बनाने में रहा है, इसको कहीं ना कहीं पढ़ने की जो सलाह है वो राहुल गांधी को दिया कुमारी ने दी है। और इस तरीके से वो भड़की है और कहा है कि राज परिवारों पर कीचड़ उछालना बंद करें और अपने संवैधानिक पद की मर्यादा को आप बनाए रखें। अपनी राजनीतिक छवि को चमकाने के लिए कम से कम इस तरीके से राज परिवारों पर कीचड़ ना उछालें। समाज में दरार डालने की कोशिश राहुल गांधी इस तरीके के बयानों को देकर कर रहे हैं, ये साफ तौर पर वो कह रही हैं। लेकिन इसी के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि केंद्रीय मंत्री भी हैं और जाहिर तौर पर एक राज घराने से वो आते हैं, उन्होंने भी राहुल गांधी पर एक्स पोस्ट के जरिए हमला बोला और ये लिखा कि राहुल गांधी ने अपने एक लेख में मौजूदा व्यापार और बाजार से जुड़े विचार शेयर किए जिसमें मोदी सरकार की आलोचना थी। इस पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि नफरत बेचने वालों को भारतीय गौरव और इतिहास पर व्याख्यान देने का कोई अधिकार नहीं है।
भारत की समृद्ध विरासत के बारे में राहुल गांधी की अज्ञानता और उनकी औपनिवेशिक मानसिकता ने सभी हदें पार कर दी हैं। ये बड़ा हमला राहुल गांधी पर बोला है। राहुल गांधी में इतिहास के ज्ञान की कमी है, ये बीजेपी के सांसद यदुवीर वाडियार ने लिखा है। तो कुल मिलाकर जो भी शाही परिवार से आते हैं, देश के जो राजघरानों से नेता आते हैं, वो दरअसल अब आग बोला हो रहे हैं राहुल गांधी के इस लेख के सामने आने के बाद, जिसमें उन्होंने देश के पूर्व राज परिवारों पर, राजाओं महाराजाओं पर इस तरीके से अंग्रेजों से रिश्वत लेने का आरोप लगाते हुए राहुल गांधी ने कहा कि आज हम उस चीज को झेल रहे हैं। लेकिन यहां पर एक चीज गौर करने वाली है कि राहुल गांधी जिस तरीके से देश के शाही परिवारों को निशाना बनाकर कहीं ना कहीं बीजेपी को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें शायद ये याद नहीं है कि उनकी पार्टी के खुद कई नेता हैं जो कि राजघरानों से आते हैं। फिर चाहे वो दिग्विजय सिंह हो या फिर अन्य कई नेता हो जो कि राज परिवार से ही हैं और कांग्रेस पार्टी का ही हिस्सा हैं, तो ऐसे में राहुल गांधी बीजेपी के जिन नेताओं को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, खासतौर पर राजस्थान में अगर बात कर ली जाए, क्योंकि वहां पर बीजेपी की सरकार है, वहां पर तमाम बीजेपी के सांसद ऐसे हैं जो कि राज परिवार से आते हैं, चाहे बात मध्य प्रदेश में कर ली जाए, ज्योतिरादित्य सिंधिया की अगर हम बात कर लें तो वो पहले कांग्रेस पार्टी का ही हिस्सा थे, तो ये शायद राहुल गांधी भूल रहे हैं। और इस तरीके से अब राज परिवारों को टारगेट करके वो कहीं ना कहीं बीजेपी को टारगेट करने की यहां पर कोशिश कर रहे हैं। एक बयान जो है उससे साफ प्रतीत होता है कि कितना ज्यादा ज्ञान और इल्म का अभाव है। अब कई ऐसे राजा महाराजा रहे होंगे जिन्होंने समझौता किया होगा, लेकिन वो हमारे जो लोकल राजा महाराजा ही रहे हैं जिनके चलते धर्म प्रोटेक्ट हुआ है और जो पूरा धर्मांतरण का जो पूरा प्रोसेस था उन्होंने उसको रोका है। और ना ही सिर्फ ये, जो बार बार वो बात कर रहे हैं राजशाही की, तो शायद ये पुरानी अदावत जो चलती आ रही है महारानी गायत्री देवी जी के वक्त से, जो जिनको लेकर बहुत ही ईर्ष्या महसूस करती थी इंदिरा गांधी जी, जिन्होंने बहुत शानदार जीत दर्ज की थी जयपुर में 1962 में, और इंदिरा गांधी जी ने जब इमरजेंसी लगाई तो एक बहुत ही बड़ी नायिका के तौर पर उभरी थी महारानी गायत्री देवी। उनको जेल में भी बंद किया गया था, संपत्ति सारी निजी संपत्ति जब्त की गई थी, और यहाँ तक कि प्रिवी पर्स पूरा अबॉलिश हुआ था उसके बाद से। तो ये सब तो चला आ रहा है, लेकिन राहुल गांधी जिस तरह से बोलते हैं, जाहिर सी बात है कम जानकारी है, कोई उनको नोट्स लिख के दे देता है लेकिन उनको समझाता नहीं है पूरी बात, तो इसीलिए बार बार फिर मुँह की खानी पड़ती है। और बहुत ही अफसोस की बात है कि वो हमारी देश के जो संस्कृति रही है, जो पूरा लोकल कल्चर रहा है, जो राजशाही रही है जिसके बहुत फ़ायदे भी रहे हैं, उसका इस कदर वो मजाक उड़ा रहे हैं। कभी वो इकोनॉमिक्स के एक्सपर्ट हो जाते हैं, कभी वो हिस्ट्री के एक्सपर्ट्स हो जाते हैं, कभी सोशल साइंसेस के एक्सपर्ट्स हो जाते हैं, और कभी कभी वो कहते हैं कि मिस इंडिया में कास्ट रिजर्वेशन होना चाहिए। मतलब मुझे समझ में नहीं आता कैसा हमें लीडर ऑफ अपोजिशन मिला है जिसको खत लिखने से यासीन मलिक जैसे टेररिस्ट की बीवी बहुत ही कंफर्ट महसूस करती है। लेकिन इस पर अब बीजेपी के तमाम नेता जो हैं वो आग बोला हैं, खासतौर पर जो राज परिवार से लोग आते हैं वो भी कहीं ना कहीं राहुल गांधी पर हमला बोल रहे हैं, उन्हें इतिहास पढ़ने की सलाह दे रहे हैं। इसमें मैसूर से बीजेपी के सांसद यदुवीर वाडियार भी हैं, उन्होंने भी लिखा कि राहुल गांधी में इतिहास के ज्ञान की कमी है, उनका लेख भारतीय विरासत के संरक्षण के लिए उस समय की रियासतों द्वारा किए गए योगदान के प्रति उनकी अज्ञानता को दिखाता है कि कितनी अज्ञानी है राहुल गांधी। लेख में उनके शब्दों के चयन की मैं कड़ी निंदा करता हूं, यह साफ तौर पर उन्होंने लिखा। इसके अलावा विश्वराज सिंह मेवाड़ जो कि बीजेपी के विधायक हैं राजस्थान से, उन्होंने कहा कि जानबूझकर राजघरानों को बदनाम करने पर राहुल गांधी तुले हुए हैं। उन्होंने कहा कि क्या यह राहुल गांधी की ऐतिहासिक तथ्यों को लेकर अज्ञानता है या फिर गलत बयानी, ये फिर वो राज परिवारों को बदनाम करने का एकाधिकार लिए बैठे हैं।
ये साफ तौर पर प्रतिक्रियाएं जो हैं वो राहुल गांधी के इस लेख के सामने आने के बाद आ रही हैं। मैं आपको पूरी जानकारी अगर दूं तो बता दें कि अखबार में ये एक लेख छपा है और राहुल गांधी ने जिसमें लिखा कि भारत को ईस्ट इंडिया कंपनी ने चुप करा दिया था, ये उनकी व्यापारिक ताकत नहीं थी बल्कि हमारे राजा महाराजाओं के दब्बूपने से हुआ। कंपनी ने हमारे दब्बू राजा महाराजाओं और नवाबों के साथ डील करके उन्हें रिश्वत देकर और धमका कर हमारा गला घोट दिया। इस कारण से हमारे बैंकिंग नौकरशाही और सूचना नेटवर्क का नियंत्रण कंपनी के हाथों में चला गया। हमने अपनी आजादी किसी दूसरे के हाथों में नहीं खोई थी बल्कि हमने इसे एक एकाधिकारवादी तंत्र के हाथों गवाया था जो कि एक दमनकारी तंत्र चलाता था। ये राहुल गांधी का लेख है जिसमें राजाओं महाराजाओं का जिक्र करके तरीके से उन्हें टारगेट किया गया है, उन्हें निशाना बनाया गया है। लेकिन सवाल इसके बाद यह उठता है कि क्या अब राज परिवार जो है वो राहुल गांधी के खिलाफ कोई एक्शन लेंगे, क्या राहुल गांधी पर उनके इस बयान के चलते कोई एफआईआर दर्ज होगी, ये तो आने वाले वक्त में देखना होगा। लेकिन फिलहाल सवाल यह भी है कि क्या राहुल गांधी ने जिस तरीके से दरअसल ये राज परिवार पर टिप्पणी की है इसका क्या असर जो है आने वाले वक्त में जो कई राज्यों में चुनाव है उसमें देखने को मिलेगा, इसका जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। धन्यवाद।